चीन और पाकिस्तान के माबैन माहिगीरी के हवाले से ताउन तवील अरसे से एक गर्म मौजू रहा है चीन के माहगीरों की दास्तानें सुनने के लिए हम मशर्की चीन के सूबे जे चियांग में वाके जियांगशिंग के एक छोटे से माहगीरों के गाँव आए हैं फेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ये सुबह सवेरे का वक्त है हम जियाशिंग से 10 किलोमीटर दूर हैं बुनियादी तौर पर पूरे आठ परसों में जियाशिंग इस शोबे के किसानों के लिए सुबह चेचियांग में सबसे ज्यादा आमदन कमाने के हवाले से पहले नंबर पर रहा है और आप में से जो शायद ये नहीं जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि चीन भर में चेजियांग की फीकस आमदन सबसे ज्यादा है ये एक बहुत ही कामयाब शोभा है हमें एक खूबसूरत तालाब नज़र आ रहा है ये इस छोटे से गांव के बहुत से तालाबों में से एक है हमने उस किसान से बात की है जो यहाँ देखभाल कर रहा था दस परसों में उनकी आमदन में दस गुना इजाफा हुआ है आप कितने बरसों से माही से ऐसी वाबस्ता है दस साल से ज्यादा अरसे से ये तकरीबन सिफर इशारिया छब्बीस हेक्टर है मेरे इस तरह के एक दर्जन के करीब तालाब हैं, जिनका रकबा चार हेक्टर से ज्यादा के इलाके पर मुहित है आप देख सकते हैं जब हम इनसे छोटी छोटी तफसी जान रहे थे तब भी वो अपना काम करने के दौरान एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके ये इनकी लगन की एक छोटी सी झलक है Honestly, लेकिन सच्ची बात बताऊँ तो मुझे मुझे यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये थी कि जब इन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो ये जानते थे कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं ये बहुत दिल छू लेने वाली बात थी जियांगशिंग में कई झीलें और नदियाँ हैं और यहाँ पर बहुत सी मछलियाँ झींगे और दरियाई घूंगे पैदा होते हैं बहुत से मकामी रिहायशी माहिगिरी की सनत हैं आला पैदावार और आला दर्जे की आबी मसनूआत ने मकामी रिहायशियों के मालदार होने के लिए एक पायदार रास्ता खोला है इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन एक हज़ार किलोमीटर की साहली पट्टी है और इसके बेहतरीन कुदरती हालात ने समंदरी माहिगिरी की मुस्तकिल तरक्की को मुमकिन बनाया है और समंदरी गज़ा के वसाइल ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वाफर हैं मेरा नाम हाकुम अली है मैं माह हूँ और मैं सुबह निकलता हूँ कभी चौबीस घंटे में आता हूँ कभी दिन में रात में आ जाते हैं तीर पकड़ी जाती है दोथर पकड़ी जाती है कुंद पकड़ा जाता है और छोटे दंदे पकड़े जाते हैं और छोटे भोरे पकड़े जाते हैं मुश्कें पकड़े जाते हैं और खगे सिंगाड़े पकड़े जाते हैं और बहुत मछलियाँ पकड़ी जाती है तो मछली सबसे महंगी है और सबसे ज़्यादा बिकी जाती है और यहाँ पे जो जरिया माश है यहाँ के लोगों का माही है और यहाँ पे लोग बहुत कदीम बहुत पुराने से फिशरीज के हवाले से यहाँ पे लोग माही करते हैं और यही इनका ज़रिया माश है इब्राहिम हैदरी का हम ज़्यादातर थाईलैंड हॉन्गकॉन्ग चाइना बैंकॉक, मलेशिया सिंगापुर कोरिया फिलपि ऐसे काफ़ी मुलाक ममालिक उनमें हम बेचते हैं सर चीन में समंदरी गज़ा की बड़ी मांग है पाकिस्तान 2016 से चीन के लिए समंदरी झजा का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा बन गया है माली साल 2021 के जुलाई से मार्च तक के अरसे के दौरान पाकिस्तान इकतदी सर्वे 2020-21 के मुताबिक एक सौ छत्तीस हज़ार मैट्रिक टन मछली बरामद हुई माली साल 2020 के जुलाई से मार्च तक के अर्से के दौरान बरामदात एक सौ तीस हज़ार मैट्रिक टन थी लिहाजा बरामदात की मकदार में चार इशारिया सात आठ फीसद इजाफा हुआ है चीन में बासा मछली और क्रेफिश फिश की फ्रहमी बहुत कम है चीन का ऐसा है ना सर वो हमें माशाल्लाह तकरीबन हमारी काफ़ी आइटम में उठाते हैं ना तो ऐसा है कि हमें ज़्यादातर उनसे कोपरेट है और माशाला उनका टारगेट भी लंबा है क्योंकि उनकी आवाम के हिसाब से उन्हें इतना माल भी ज़रूरत पड़ती है सर तो माशाल्लाह हमारा जितना माल है तकरीबन चाइना के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है वो चाइना में सबसे ज़्यादा है ये चकोरी है अपना मुश्का है और अपना अल्लाह आपको निकी देवे इनके अलावा तकरीबन दूसरी ममालिक जो ये है कि उनके पास ये आइटम में नहीं है जैसे लेडी फिश है अपना रिबिंग फिश है इनके अलावा कटल फिश है है और इनके अलावा जैसा झींगे में आइटम में कुछ प्रॉन वगैरह है तो वो काफ़ी जाता है उधर से नो लिमिट है सर वो उनको ज़्यादा लाइक करते आ, क्रेप क्रेप वगैरह उनका ज़्यादातर मतलब माशाल्लाह रेगुलर उनकी वो आइटम है ज़्यादा है आबी में उरूज बख्श तिजारत के अलावा चीन पाकिस्तान इकतसदी राहदारी की तमीर से सनती सतह पर पाकिस्तान और चीन के माबैन माही के शोबे में तावन मजीद गहरा होना शुरू हो गया है चीनी कंपनियां आबी सामान की ज़खीरा अंदोजी और प्रोसेसिंग में भरपूर तजर्बात ला रही हैं खाम माल के मामले में मछली और झींगे को बरह रास्त कम दर्जा हरारत वाले गोदामों में जखीरा करने के बजाय पकड़ने के बाद फ़ौरी तौर पर मंजमद करना चाहिए आम दर्जा हरारत वाले गोदामों में जख़ीरा करने से ये मसनूआत तेज़ी से ख़राब हो जाती हैं फ़ौरी तौर पर मंजमंद होने से गजाई अज्जा तेज़ी से महफूज हो सकते हैं और बैक्टीरियल फरसूदगी से महफूज़ रहते हैं दर्जा हरारत मनफी चालीस डिग्री सेंटीग्रेड से मनफी पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है जब मछली और झींगे की मसनवाद का मरकज़ी दर्जा हरारत मनफी अट्ठारह तक पहुँच जाता है तो इन्हें तैयारशुदा मसनुआत की स्टोरेज में रखा जाता है माहिगिरी के हवाले से चीन हमारा साथ दे हम हम चीन के साथ मिल के जदीद किस्म की लांचें जदीद किस्म की बोर्डें और इंजन और माहरी को जो मसाइल हैं लोन के हवाले से परेशानी के हवाले से जो जो इनके साथ मसाइल हैं तो चीन के साथ हम मिलकर दोस्ताना तल्लत करके और हम इनके मसाइल हल करने में तरजीह बुनियादों पर हल कर सकते हैं गवादर के हवाले से बिल्कुल करता है क्योंकि गवादर भी एक बेहतरीन बंदरगा है बेहतरीन माह का इदारा है और वहाँ पर भी अच्छी नस्ल की मछलियाँ अफजाइश होती हैं हम चाहते हैं चीन भी हमारे साथ गवादर के साथ मिलकर शराकत करें नाजरीन इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बरत मौजूद हैं डॉक्टर अनीस फारूक साहब जो कि सी ई ओ ऑफ एंथ को लिमिटेड हैं। चाइना की मल से लर्न करने की जरूरत है स्पेशली फसल कंडीशन इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा समुद्र है वो गर्म पानी है और इस टाइम में वहां पे 40-45 टेंपरेचर टेम्परेचर होता है आप फिशिंग करते हैं तो दो तो तीन दिन चार दिन पांच दिन लगते हैं आपको वापस आने में ठीक है तो जो सी फूड की फ्रेशनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है uh, जिनके जिन लोगों ने बर्फ पे ब्लॉक प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं course, जो है उनके मुताबिक वो लोग करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो भी इतने सूटेबल नहीं होते अब आ जाए प्रोसेसिंग के ऊपर तो हमारा जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिक नहीं है बाय हैंड मोस्टली हम लोग करते हैं ठीक है जी तो जैसे ही हमारे पास जो फिशिंग स्टॉक आता है किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट में तो वो बाय हैंड उसकी चॉपिंग uh, होती है उसका इंटरनल ऑर्गन रिमूव किए जाते हैं टेल रिमूव की जाती है फिर उसको बाय हैंड जो है हम लोग प्लेट्स में डालते हैं या यू समझ ले बास्केट में डालते हैं फ्रीजिंग के लिए तो ये सारा प्रोसेस जो है बाय हैंड होता है तो इसको ऑटोमेशन की जरूरत